वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाउ यूके की जो होम सेक्रेटरी है ब्रेवरमैन, इन्होंने एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूके में काफी लोग नाराज हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके की मिनिस्टर ब्रेवरमैन ने ये कह दिया कि पाकिस्तानी मैन, नाउ जब ये कहती है पाकिस्तानी मैन तो यूजुअली ये बात कर रही है ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन की, जो आज के समय यूके में या तो मतलब नागरिकता हासिल कर चुके हैं या फिर उसके प्रोसेस में है। तो ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी मैन बलात्कार कर रहे हैं इंग्लिश गर्ल्स का, जो वाइट ब्रिटिश लड़कियां हैं उनके साथ ये सब किया जा रहा है। नाउ ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेटमेंट देखकर काफी लोग अशेम्ड फील कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मीडिया ने इस बात को थोड़ा सा घुमाना भी स्टार्ट कर दिया है कि यूके की मिनिस्टर की आलोचना हो रही है, क्योंकि इन्होंने सिंगल आउट किया है पाकिस्तानी मैन को कि पाकिस्तानी मैन ही ये सब काम करते हैं। मगर एक बार मैं चाहता हूँ यूके की मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है ये आप सुने, खुल के इन्होंने पाकिस्तान मैन बोला है और ये बताया भी है कि पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं ये यूके में काफी बार करते क्या हैं स्पेसिफिकली। इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय वल्नरेबल वाइट इंग्लिश गर्ल्स समटाइम्स इन केयर समटाइम्स हु आर इन चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस बीइंग पर्स्यूड एंड raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers, the police, turn a blind eye to these signs of abuse out of political correctness, out of fear of being called racist, out of fear of being called bigoted. And as a result, thousands, we're not talking small numbers, we're talking large numbers, thousands of children have had their childhoods robbed and devastated. तो यहाँ पे आपने सुना कि यूके की जो गृह मंत्री हैं ब्रेवरमैन, ये कह रही हैं कि जो वाइट ब्रिटिश गर्ल्स हैं हजारों की संख्या में, हम यहाँ पे 100-200 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर बड़े स्केल पर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों द्वारा। ना ये बात खुल के ना जब ब्रेवरमैन ने बोली है, तो अब कई लोग पाकिस्तान में, इवन यूके में जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं, वो कह रहे हैं कि खुल के जो ब्रेवरमैन ने पाकिस्तानी लोगों का नाम यहाँ पर ले लिया है ना, तो इससे पाकिस्तानियों के खिलाफ रेसिज्म ज़रा बढ़ जाएगा। मगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ऋषि सुनाक और इनके मिनिस्टर्स ने एक बात ठान ली है कि ये कुछ भी करके जो ये ग्रूमिंग गैंग है ना, इनको ख़त्म कर देंगे। अब आप यहाँ पर कहोगे एक मिनट, अभी ब्रिटिश पाकिस्तानी की बात चल रही थी, अब ये ग्रूमिंग गैंग क्या होता है, ग्रूमिंग गैंग के पीछे ऋषि सुनाक क्यों पड़ गए? समझाता हूँ आपको। देखो, यूके में ना जो ग्रूमिंग गैंग है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा गैंग कुछ लोगों का जो ऑनलाइन बैठे रहते हैं और चैट रूम के जरिए, ऑनलाइन चैटिंग के जरिए, ऑनलाइन वीडियो गेम्स के जरिए टीनेजर्स होते हैं या जो यंग बच्चे होते हैं यूके में, उनको सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, अब देखो यूके सेंस एक ऐसा देश है जहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी जगह टूट रहा है, माँ बाप आपस में बात नहीं करते, लड़ाइयाँ होती रहती हैं घर में, कई जगह डिवोर्स हो चुका होता है, कई जगह डिवोर्स होने की कगार होती है, बच्चा बिल्कुल ऐसे केस में आइसोलेट अकेला सा पड़ जाता है, कई केसेस देखे गए हैं ऐसे। तो ऐसे बच्चे ऑनलाइन किससे बात कर रहे हैं, कौन इनका दोस्त बन रहा है, उसका कुछ ट्रैक उनके पेरेंट्स रखते नहीं है। तो होता यहाँ पर क्या है कि ये ग्रूमिंग गैंग वाले ना ऑनलाइन ऐसे बच्चों से चैटिंग करते हैं, उनको दोस्त बना लेते हैं, फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन इनको बुला लेते हैं। यहाँ पे मैं 11 साल 12 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वेरी इनोसेंट। तो इनको कहीं पे बुला लिया, वहाँ पे इनको ड्रग्स दिया, अल्कोहल दिया, नशा कराया, इनको बहुत सारे जो ये ऐसे ड्रग्स हैं उनकी लत लगवा दी, और उसके बाद कई सालों तक इनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। ये है जी ग्रूमिंग गैंग, और ग्रूमिंग गैंग की जो प्रॉब्लम है यूके में बहुत ज़रा बढ़ गई है। कई बार ना इनके यहाँ एक बड़ा आप कह लीजिए स्कैंडल सामने आता है, जहाँ पे 15-20 चाइल्ड ग्रूमर्स कई सालों से बच्चों को अब्यूज़ कर रहे थे, करीब 30-40 बच्चों को अब्यूज़ किया जा रहा था, फिर जाके अचानक से ये एक्सपोज होते हैं।
इसका मोस्ट रीसेंट केस सामने आया था, हडर्सफील्ड ग्रूमिंग केस भी। हडर्सफील्ड एक जगह है यूके में, वहाँ पर ना 20 लोगों को पकड़ा गया। आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानी ब्रिटिश लोग हैं। एक वैसे यहाँ पे आपको नाम मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अमीर सिंह धालीवाल। इस आदमी के रिलीजन को लेकर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कन्वर्ट हुआ था, पाकिस्तान का था, बाद में इसने रिलीजन थोड़ा अपना बदला था तो सिखिज्म में कन्वर्ट हो गया था। मगर आप देखोगे बाकी जो सारे लोग हैं ना, सब आपको पाकिस्तान ओरिजिन के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे सारे नाम पाकिस्तान ओरिजिन के। तो बिल्कुल ये जो ग्रूमिंग गैंग है, जब ये एज ए गैंग काम करते हैं बड़े स्केल पर, तो ज़रातार देखा गया है कि पाकिस्तान ओरिजिन के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। और जैसे ब्रेवरमैन ने कहा, यूके की मिनिस्टर ने कहा, पुलिस जब ऐसे लोगों को पकड़ती है ना, तो पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान ओरिजिन, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि रेसिज्म स्टार्ट हो जाए इन लोगों के प्रति। पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स रहते हैं यूके में, उनके खिलाफ रेसिज्म हो जाए। और कई पॉलिटिशियंस भी हैं पाकिस्तान ओरिजिन के, जिन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से ना ऐसे केसेस में एक वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। वो वर्ड है जी एशियन। पिछले कई सालों में देखा गया, जब भी ये पाकिस्तानी लोग पकड़े जाते रहे, पाकिस्तान ओरिजिन के लोग पकड़े जाते रहे यूके में ये सब खराब काम करते हुए, तो जो पाकिस्तान ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इनकी बातें ढकने के लिए कहते थे कि जी ये एशियन लोग थे जो ये सब काम कर रहे थे। जबकि बाद में कई लोगों ने इस पॉलिटिशियन की आलोचना भी करी कि एशियन क्यों कह रहे हो, एशियन तो बहुत बड़ा वर्ड है, ये जापानी तो थे नहीं है जो ये सब काम कर रहे थे, एशियन में तो जापानी भी आता है, एशियन में तो चाइनीज भी आता है, इंडियन भी आता है। इंडियन कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि ये बार बार जो एशियन टैग यूज किया जाता है, जब भी ऐसा कांड सामने आता है, आप देखो अखबार में आप देखोगे ना, ये सारे लोग दिखेंगे ब्राउन। ठीक है, आप कह सकते हो इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, मगर है ज्यादातर पाकिस्तानी, 80% से ऊपर पाकिस्तानी होते हैं यहाँ पर। तो इनको एशियन जब कहा जाता है ना, तो बात फिर गोलमोल हो जाती है। जो आम लोग है, जब ये रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो कहते हैं अच्छा इंडियन लोग भी ये सब कर लेते होंगे फिर। और इसलिए कई इंडियन ओरिजिन के लोग भी ना ये कहते रहे यूके के मिनिस्टर्स को कि प्लीज खुल के बोलिए कि पाकिस्तान ओरिजिन के लोग ये सब कर रहे हैं, इनको पिन पॉइंट करिए, ताकि कल को हम सुधार भी कर पाए इस कम्युनिटी में। ऐसे एशियन एशियन बोलकर आप एक बहुत ज़रा एक बड़ा टैग दे रहे हो, ऑलमोस्ट डिफेंड कर रहे हो इन लोगों को। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, मगर इस सब का इम्पैक्ट इंडियंस पे क्या होता रहा? देखो इस सब का इम्पैक्ट इंडियंस पे भी होना स्टार्ट हो गया था। जो ये ग्रूमिंग गैंग है ना, इन्होंने 2005 से लेकर 2015 तक ज़्यादातर जो इनके टारगेट्स थे, ये ब्रिटिश वाइट जो फैमिलीज थी उनको टारगेट करते थे, उनके जो बच्चे थे उनको टारगेट करते थे। बाद में जब इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारत की जो पंजाब स्टेट है, वहाँ से जो बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं यूके में, या फिर यूके में काम करके सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए जाते हैं, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, उनके बच्चों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इस पर काफी बार स्टडीज भी हो चुकी है कि पाकिस्तानी मैन काफी बार, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो मैन है यूके में, ये काफी बार जो ब्रिटिश सिख गर्ल्स हैं इनको भी टारगेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ये पाकिस्तानी मैन है ये भी पंजाब ओरिजिन के होते हैं, तो लैंग्वेज सेम ही होती है पंजाबी। तो ये प्रॉब्लम भी लगातार बढ़ रही थी, ये ग्रूमिंग गैंग्स कहीं से भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो सिंस ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट हाथ से बात निकल रही थी, तब जाके ऋषि सुनाक ने एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई है। इन्होंने ये कहा है, जो करना होगा मैं करूंगा, वट एवर इट टेक्स, मैं ये ग्रूमिंग गैंग्स को कंट्रोल करूंगा यूके में, ये बंद होना चाहिए। और इसका आप देखोगे इन्होंने शुरुआत करी है, ये पहली बात तो एशियन टैग हटाकर, कि ये ग्रूमिंग गैंग वाले एशियन नहीं है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, जो ये हैं वो बोलो, तभी जाकर ये अशेम्ड फील करेंगे, इनकी कम्युनिटी में भी सुधार आएगा। और इसलिए पहली बार आप देख रहे हो ऐसी जो हेडलाइंस हैं अब ये पब्लिश हो रही हैं कि सुएला ब्रेवरमैन टारगेट्स पाकिस्तान ओरिजिन मैन, सेज ग्रूमिंग गैंग्स अब्यूजिंग वाइट इंग्लिश गर्ल्स। अब आप पूछोगे ऋषि सुनाक ये ग्रूमिंग गैंग्स को कंट्रोल कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए स्पेशल स्क्वाड बनाया जा रहा है, पुलिस टीम्स बनाई जा रही हैं, ऐसे ऑफिसर्स को ये इकट्ठा कर रहे हैं जिनको स्पेशल एक्सपीरियंस है इस केस में, इनको पता है कि ये ग्रूमिंग गैंग वाले किस तरीके से काम करते हैं, इन्होंने अपने इलाके बना रखे होते हैं। लिटरली यूके में काफी इलाके होंगे जहां पर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग ज्यादा रहते होंगे, वहां पर पुलिस वैसे ही कम जाती है, तो उस इलाके में किस तरीके से छानबीन करनी है, कैसे इन लोगों को पकड़ना है, कैसे बच्चों को सेफ रखना है, इसकी नीतियां बनाने के लिए एक प्रॉपर टास्क फोर्स बना दी गई है। और जो इंडियन कम्युनिटी है ये काफी हद तक थैंक भी करेगी ऋषि सुनाक को, इसलिए नहीं क्योंकि जी पाकिस्तानियों का नाम यहाँ पे आ रहा है, उनकी बदनामी होगी, नहीं,
एटलीस्ट इंडियंस का नाम तो और क्लियरली बोलना पड़ेगा कौन से लोग हैं जो ये कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि बाकी जो पाकिस्तान और जिनके मिनिस्टर्स हैं वो उसको कैसे छुपाने की कोशिश करें, पूरे एशियन कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं और पाकिस्तान और इंडियंस से मेल बांधने सेम लगते हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ के उनको तो लगेगा इंडियंस भी इन्वॉल्व है और वो इंडियंस को भी मिस्ट्रीट करेंगे, अंग्रेजों का वैसे एक माइंडसेट बड़ी जल्दी बन जाता है कि वो फिर ये सोचते हैं कि ये सभी लोग ऐसे होंगे, लेकिन देखिए आप इतनी दूर से काम करने के लिए पता नहीं काम करने के लिए काम करें अपना रोजगार बनाए अपनी लाइफ अच्छी बनाए ना कि ये ऐसे गलत काम करें जिससे ये तो बिल्कुल अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी है तो बहुत ही गलत काम है कि ये तो काम ऐसा करें लड़कियों के साथ ऐसा करें और भी अमीर गरीब सबके लिए एक बात रहने वाली कि ये जो एक गैंग है ना इसका बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया कि उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया कि यार उसके यहाँ को जो ऐसी गलत चीजें फैला रहा है उसको पकड़ेंगे उन सब जो भी यार गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।